नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं दीपक सिंह और आज आपको बताने वाला हूं कि वाइटम एच और मेटाबोलाइड मिक्स पाउडर दोनों आपके पशु को साथ में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है तो कैसे दें और नहीं दिया जा सकता तो क्यों नहीं दे सकते। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर और विटामिन एच दोनों किसी पशु को साथ में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इन दोनों प्रोडक्ट के कार्य अलग अलग हैं परंतु कुछ कार्य समान भी हैं। अगर आप दोनों को साथ में देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं और मैं कहूँगा कि देना भी चाहिए। दोस्तों, मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर गाभिन पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और यहाँ गाभिन पशुओं को ही दिया जाता है। यहाँ ब्याने के एक महीने पहले दिया जाता है, कम से कम 20 दिन से 30 दिन के अंदर अंदर इसको देना चाहिए। ये पाउडर पशु को ब्याने के समय होने वाली बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है और पशु की अडर क्वालिटी को सुधारने में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। साथ ही यह प्रोडक्ट पशुओं में पोषक पदार्थों की कमी को भी दूर करता है तथा पशु के शरीर में पलने वाले काप को भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ देता है। मेटाबोलाइट मिक्स का मुख्य काम है पशुओं में पोषक तत्वों की कमी को दूर करना, पशुओं के अंदर पलने वाले काप को ग्रोथ देना और अडर की क्वालिटी को सुधारना। यह प्रोडक्ट ब्याने के समय आने वाली दिक्कतों को दूर करता है तथा थनों में दूध कम और ज़्यादा आता है तो उसको सही करता है। अब बात करते हैं विटामिन एच की। विटामिन एच के पशुओं में अनेक फायदे देखने को मिलते हैं और यह सभी प्रकार के पशुओं को दिया जा सकता है। विटामिन एच मुख्यतः पशुओं में गाभिन या ब्याने के समय जो दूध तंत्र होता है उसमें जो ऊतक या टिश्यू होते हैं उनको अच्छी ग्रोथ देता है। विटामिन एच पशुओं में दूध तंत्र को मजबूत करता है और पशुओं की अडर क्वालिटी को या आंचल को या लेवटी को बहुत ही अच्छी ग्रोथ देता है, बहुत ही अच्छी तरीके से पशु अपना अडर बनाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी थ्री भी होते हैं, इनके भी अलग अलग फ़ायदे हैं जो मैंने पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है। विटामिन एच और मेटाबोलाइट मिक्स दोनों के ऊपर विस्तार से वीडियो हैं जिसमें पूरी जानकारी दी गई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। विटामिन एच का मुख्य काम पशुओं में होने वाला मस्टाइटिस रोग जो बहुत ज़्यादा होता है उसको सुधारने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दवाई है। इसके अलावा यह प्रोडक्ट जो पशु हिट पर नहीं आते हों या बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पशुओं को भी दिया जा सकता है। ब्रीडिंग कराने वाले बुल में स्पर्म की क्वालिटी सुधारने के लिए तथा स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पशुओं में बाल झड़ने वाली बीमारी को रोकने के लिए भी यह बहुत ही अच्छी रामबाण दवा है। इन दोनों प्रोडक्ट के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं और इन दोनों प्रोडक्ट को साथ में दिया जा सकता है। मैं खुद इन दोनों प्रोडक्ट को साथ में देता हूँ और आप भी अगर दोनों प्रोडक्ट को देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं। दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, पर इन दोनों को देने का टाइम अलग अलग रखिएगा। जो मेटाबोलाइट मिक्स का जो है पाउडर है इसको सुबह के टाइम देना चाहिए, तो जो पाउडर है इसको सुबह दे दीजिएगा और जो लिक्विड है इसको शाम के टाइम दे दीजिएगा। अगर आप दोनों प्रोडक्ट दे रहे हैं तो मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर सुबह के समय और विटामिन एच लिक्विड फॉर्म में है इसलिए इसको शाम के टाइम देना चाहिए। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।